आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजते हो ना भाजपा को प्लान? सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता,
लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार। हा? कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। हा? मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, प्रेशियस पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ। ओके जी, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलना, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच, ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं, आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है, सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।
बिहार पर बीजेपी और जेडीयू में समझौता, आधी आधी सीटें बांटेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आलोक वर्मा के मामले की जांच सीवीसी करेगा। एक सौ 87 इलाकों में पहुंची शिवराज की यात्रा, 43 विधानसभा क्षेत्र छूटे। आस्था में घूसखोर पकड़ा गया, लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बनेगा जन घोषणा पत्र। नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा आपका स्वागत करता हूं दखल न्यूज में। अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं पहले बिहार की। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच आगामी आम चुनाव में सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया है। समझौते के मुताबिक बिहार में दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगला आम चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और एनडीए पहले से ज़्यादा सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले चुनाव के लिए सीटों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आपसी समझौते से सीटों के बंटवारे पर सहमति हो गई है। साथियों के चर्चा में शुरू होकर आया है कि 2019 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में भी एनडीए एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। नीतीश कुमार जी रामलीला भारतीय जनता पार्टी के तीनों पूरे बिहार के कैंपेन की लीडरशिप लेंगे और अभी जो सीटें हैं बिहार में इससे ज्यादा सीटों के साथ 19 के चुनाव में हम मजबूत होकर माननीय अमित शाह जी ने जो सहमति है जेडीयू और सपा बराबर सीटों पर चलेगी और बाकी लोगों के रूप के बारे में अंतिम दौर में बात चल रही है और इसके बाद जो सुन में होगा जैसा कि मैंने बताया दो तीन दिनों के अंदर नंबर ऑफ और इस बार नंबर ऑफ सीट की घोषणा हो जाएगी। किस पार्टी को विश्वास करेगी संकल्प है इन सब्जियों में ज्यादा वक्त। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनको बिहार की सूखाग्रस्त स्थिति की जानकारी दी थी। अमित शाह ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान हमारे साथ रहेंगे। जब एक नया सहयोगी हमसे जुड़ गया है तो सभी के लिए सीट शेयर में कमी आएगी। अब बात करते हैं सीबीआई के हंगामे की। सीबीआई में जारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब हटाए गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ मामले की जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगी। वही कांग्रेस ने इस मसले पर सीबीआई मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सभी संस्थाओं पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने यहां लोगों के बीच चौकीदारी चोर है के नारे भी लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चौकीदार को चोर नहीं करने देगी। सीबीआई मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का ये मार्च दयाल सिंह कॉलेज से शुरू हुआ और सीबीआई दफ्तर तक चला। राहुल गांधी ने लोधी रोड पुलिस स्टेशन में अपनी गिरफ्तारी दी। इस प्रदर्शनी में राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों के कई नेता मौजूद रहे जिसमें शरद यादव, डी राजा, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे।
प्रधानमंत्री ने 30,000 टोपी आ रहा है इनका, थोड़ा साइड हो जाओ भैया। अनिल अरे भैया थोड़ा साइड हो जाओ, अरे थोड़ा जवान साइड हो जाओ। चोरी किया है देश के युवाओं से, पैसा चोरी किया है, पूरा देश इस बात को समझता है। प्रधानमंत्री दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, मगर छुप नहीं सकते हैं सच्चाई से। सच्चाई बाहर आएगी। सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में देश को पता लगेगा कि देश के चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाले। सीबीआई में जारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब हटाए गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ मामले की जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगी। कोर्ट के ये फैसले के मुताबिक जांच सीबीसी की महज 2 हफ्ते में पूरी करनी होगी और खुद सुप्रीम कोर्ट सीबीसी की जांच की निगरानी करता रहेगा। कोर्ट के इस फैसले से बड़ा जहां केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, वहीं इस फैसले का सीधा असर सीबीआई के कामकाज पर पड़ा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को बीच में ही रोक दिया है। चुनाव की तैयारियों के चलते भाजपा ने ये फैसला लिया है। भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में घूमना था, लेकिन पार्टी ने इसे आधे में ही समाप्त करने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज सिंह अपनी यात्रा में 187 विधानसभा में घूम चुके हैं। पार्टी की चुनाव की तैयारियों के चलते यात्रा रोकी गई है। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा को 55 दिन में 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना था, लेकिन यात्रा 103 दिन में ही 187 विधानसभा क्षेत्रों में ही पहुंच सकी। यात्रा समाप्त होने से 43 विधानसभा क्षेत्र छूट गए हैं। शिवराज सिंह की इस यात्रा में सभी जगह जबरदस्त भीड़ और लोगों में उत्साह देखने को मिला है। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दखल न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूं मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है,
कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज जी तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान हैं हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता, लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार, कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, फ्रेशर्स पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ। ओके जी, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है, एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलना, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही।
मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए, मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं, आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना, पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दखल न्यूज में। अब बात करते हैं होशंगाबाद की। होशंगाबाद पुलिस को चुनाव से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक के पास से 4 माउजर, 5 मैगजीन और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक अन्य अपराधी जहांगीर अलवी के लिए काम करना कबूल किया है। जहांगीर अलवी सूचना मिलते ही फरार हो गया था। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की जा रही धरपकड़ के चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके चलते सोहागपुर थाना पुलिस ने ढाबे पर बैठे चुनाव युवक नाफीज खान को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। युवक के पास से 4 कंट्री मेड माउजर पिस्टल, 5 मैगजीन और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने रिमांड पर लेकर आरोपी युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो जहांगीर अलवी के लिए काम करता है। कंट्री मेड हथियार झांसी से लेकर होशंगाबाद से अपराधियों में सप्लाई करना ही उसका काम है। जहांगीर अलवी के ऊपर करीब 1 दर्जन अपराध दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, अड़ीबाजी, हथियार बेचना सहित अन्य मामले दर्ज हैं। तो जहां तक है जहांगीर के विषय में हमने बदरसी पूरी की और जो हमारे वहाँ दबिश दी और बेसिकली अभी उसके पिताजी के विषय में जो है हमारी पुलिस तहकीकात की है, तो उनको मेरे लिखे पर अभी फरार उनको मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक जहांगीर है वो इस पर कुछ फरार। हथियार सहित पकड़े गए आरोपी को लेकर एसपी अरविंद सक्सेना ने बताया कि आरोपी इन हथियारों को 8 से 10 हजार में खरीदकर आसपास के अपराधियों को 15 से 20 हजार में बेच दिया करता था। पुलिस ने जहांगीर अलवी के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की लेकिन वह मौके से फरार हो गया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव चुनावी घोषणा पत्र के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं। वे अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जनता से रायशुमारी कर रहे हैं। जन घोषणा पत्र के लिए लोगों से रायशुमारी करने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव कोंडागांव पहुंचे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों ने अपनी समस्या बताई और सुझाव भी दिए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में किसान, युवाओं और महिलाओं की मांग और समस्याओं को घोषणा पत्र पर प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बस्तर में शांति बहाल करना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है। रेलवे लाइन की बातें पहले भी आई थी, यहाँ
सिरसा से फिरोजपुर होके अपना जगदलपुर कांकेर होते हुए रायपुर को ले जाने की बात पहले भी प्रस्ताव लोगों ने की थी, उसको भी हम लोग घोषणा पत्र में लाएंगे। और अब क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की एक इकाई भी बनी है जिसमें रेलवे लाइन को भी हम ले सकते हैं, तो ये बात नहीं है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार भी रेलवे विभाग पर निर्भर है। ऐसी और बात कोंडा गांव से सिंहदेव ने शिल्प ग्राम देखने की इच्छा जाहिर की और शिल्प ग्राम का भ्रमण कर बिस्तर की कलाकृतियों के बारे में जाना, इस कलाकृतियों से जुड़े कलाकारों की प्रशंसा भी की। लोकायुक्त पुलिस ने आस्था नगर पालिका के कैशियर अनिरुद्ध नागर को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। भोपाल लोकायुक्त पुलिस की टीम ने सीहोर जिले की आष्टा नगर पालिका परिषद के रिश्वतखोर कैशियर अनिरुद्ध नागर को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल फरियादी ठेकेदार भगवान सिंह ने आष्टा नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 17 में पक्की नाली का निर्माण किया था। इसमें से 4,85,000 का पेमेंट तो नगर पालिका ने कर दिया था, परंतु शेष 1,00,000 के पेमेंट के लिए यहां कैशियर अनिरुद्ध नागर 23% की रिश्वत के रूप में 25,000 की डिमांड की। फरियादी ठेकेदार ने इसकी शिकायत भोपाल लोकायुक्त पुलिस से की। सिंह है, ये ग्राम लोरासपुर के रहने वाले हैं और नगर परिषद में ठेकेदारी का कार्य करते हैं। इन्होंने आष्टा में वार्ड नंबर 17 में नाली का काम किया था, उसका इनको 5,85,000 का भुगतान होना था। परिषद ने 4,85,000 का भुगतान इनको कर दिया था, 1,00,000 रुपये बचा था। अकाउंटेंट जो सहायक ग्रेड 2 हैं अनिरुद्ध नागर, इनके द्वारा जो भुगतान किया गया था 23% की मांग से इनके द्वारा रिश्वत की मांग आवेदक से करी थी। आवेदक द्वारा शिकायत की गई थी जिससे हमने सत्यापन कराया था और आज इनको रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े। आज इसी मामले में भोपाल लोकायुक्त पुलिस टीम ने आष्टा नगर पालिका परिषद के रिश्वतखोर कैशियर अनिरुद्ध नागर को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। हमारे साथ सीहोर संवाददाता अरुण राठौर जी जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या है पूरा मामला? अनुराग जी, इसका मामला है जी, ये ठेकेदार था भगवान सिंह कश्यप जी, और ये नाली निर्माण के लिए इसके पास 5,85,000 रुपए का जी इसका टोटल बिल था जी। तो जिसमें से 4,85,000 रुपए का भुगतान नगरपालिका ने कर दिया था, 1,00,000 रुपए जो शेष राशि बची थी उसके लिए जो लेखापाल है अनिरुद्ध नागर ने उसके लिए 23% कमीशन उससे मांग करी कि 23% आपको मुझे देना पड़ेगा, इसके बाद में आपका 1,00,000 रुपए का बिल रिलीज करूंगा। किस किस मामले के तहत इन पे मामला दर्ज किया गया है? सर, इनको रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया जी। लोकायुक्त पुलिस है, लोकायुक्त पुलिस जी, जी। लोकायुक्त पुलिस ने इनके ऊपर पूरा मामला बनाया है और इनके ऊपर पूरी कार्रवाई की है लोकायुक्त टीम ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी इन तमाम सारी जानकारी के लिए। प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़का लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी है। छतरपुर के गड़ी मलहरा इलाके में दोनों के शव एक पेड़ से लटके मिले। छतरपुर के गड़ी मलहरा थाना क्षेत्र में पहाड़ी के एक पेड़ पर लड़का लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी है। दोनों के शव पेड़ पर लटके रहे थे। पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पुलिस को यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। युवक और युवती के शव सड़ चुके थे। पुलिस की FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दोनों युवक युवती की पहचान हो गई है। मृतक युवक नीरज रेकवार महाराजपुरा का रहने वाला है और वहीं युवती उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि युवक नीरज 19 अक्टूबर से घर से गायब था। आरंभ में यह क्या थे अब पहचान कर लिए हमारा महाराज भी शुरू कर देना है और अभी मवा मैं तो अपना बेला टलवा था तो बोला तम जहादुल्ला रखा मेरे को मैंने नहीं चप्पल लाई। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दखल न्यूज के साथ।
देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो, अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूं मैं तो। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गाँव-गाँव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज जी तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ा।
लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार। हा? कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, फ्रेशर्स पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ। ओके जी, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलो, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच, ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं, आज कहो, बल्कि अभी कहो। उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है, सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दखल न्यूज में। अब बात करते हैं अगली खबर की। अब एक अच्छी खबर छतरपुर से। अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में ही एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और 108 के स्टाफ ने सूझबूझ से महिला को प्रसव करवाया। बाद में स्वास्थ्य जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आकस्मिक चिकित्सा सेवा के लिए संचालित 108 एम्बुलेंस ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। छतरपुर में एक 108 वाहन में ही महिला के प्रसव का मामला सामने आया है। प्रसव पूरी तरह सुरक्षित हुआ। महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमारे संवाददाता दीपेंद्र गुप्ता ने बताया कि ग्राम निवारी की पिंकी रेखबार को प्रसव पीड़ा होना शुरू हुई थी। 108 एम्बुलेंस में तुरंत महिला को 108 गाड़ी में लिया और जिला अस्पताल की ओर बढ़ गए। छतरपुर बस स्टैंड के समीप अचानक महिला की हालत बिगड़ने लगी और परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि महिला का प्रसव करवाना ज़रूरी हो गया था। तब गाड़ी में मौजूद चिकित्सा विशेषज्ञ सरोज श्रीवास और पायलट इमरान खान ने परिवार के लोगों की मदद से गाड़ी में ही प्रसव कराने का निर्णय लिया। बस स्टैंड पर ही गाड़ी रोककर महिला का सुरक्षित प्रसव करा दिया गया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। छतरपुर कलेक्टर ऑफिस में साहूकार की शिकायत करने आए एक बुजुर्ग ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना के बाद जिले के राजस्व अमले और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। तत्काल बुजुर्ग रणजीत सिंह भदौरिया को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन हालात गंभीर होने की वजह से उन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। बुजुर्ग ने बताया कि उसने नौगांव में किसी साहूकार से 1,00,000 रुपए कर्ज लिया था। कर्ज की यह राशि वह दे चुका था, लेकिन साहूकार उससे और कर्ज की राशि मांग रहा था, जिसकी वह कलेक्टर से शिकायत करने आया था। हमको ये जानकारी लगी कि ये कहीं रोड पे बेहोश पड़ा है। जैसे अस्पताल लगा तो हमने एम्बुलेंस भेज कर उसको कलेक्ट करा लिया। अस्पताल में डॉक्टर ने देख लिया, मैंने खुद देखा है, एनेस्थेटिस्ट आ गए हैं, स्पेशलिस्ट आ गए हैं मेडिकल, सबने उसका ट्रीटमेंट किया। ऐसा बताया गया है कि उसने कोई जहरीली दवा खाई है और उसकी कंडीशन अभी स्थिर नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल में फिर उसने बताया कि मैंने जो है कलेक्ट्रेट के बाहर था, मैं मेला ग्राउंड साइड में उधर बैठा था, तो मैंने दवा खा ली है। और फिर उससे पूछा गया कि दवा क्यों खाई है। बोला था मैं नौगांव का रहने वाला हूँ, मेरे कोई किसी से पैसे लिए थे, वो बार बार मुझे तंग कर रहा था। जिस तरह से जो है उसने ये बताया, इतनी ही जानकारी। लेकिन बुजुर्ग की खुदकुशी की कोशिश करने के मामले में प्रशासन के अधिकारी ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है। वह अलग कहानी बताकर घटना की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। भोपाल में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक एक में प्रोग्राम के तहत कॉलेज में फैशन शो का आयोजन किया गया। स्टूडेंट ने रैंप पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा, छात्रों ने फैशन शो का लुत्फ उठाया। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें गाड़ियों के विभिन्न मॉडल का प्रदर्शन स्टूडेंट्स के बीच किया गया। कॉलेज प्रदर्शनी में CRPF और RAF के जवानों ने आर्म्स और वेपन्स का भी प्रदर्शन स्टूडेंट्स के बीच किया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सेना ने युद्ध के दौरान उपयोग होने वाले वेपन्स की जानकारी प्रदर्शनी में के माध्यम से दी। साथ ही यह भी बताया कि दंगों और युद्ध के दौरान वो इन वेपन्स का उपयोग कैसे करते हैं। सेना का प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को सैन्य शक्ति बताना और देश सेवा हेतु सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना। बता दें कि OIST में टेक एक में 2018 प्रोग्राम 25 से 27 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ फैशन शो भी हुआ, जहां स्टूडेंट्स ने रैंप पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। इस वक्त हम मौजूद है ओरिएंटल कॉलेज के कैंपस में, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एग्जीबिशन लगा हुआ है। ओरिएंटल कॉलेज के बच्चों ने जो एग्जीबिशन लगाया है वो लगा हुआ है। यहां CRPF जवान के एग्जीबिशन भी लगे हैं, उनका प्रेजेंटेशन भी हो रहा है, जो प्रस्तुति दी जा रही है। आज ही हम बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि लोग एग्जीबिशन देखने के लिए काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। बच्चे स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये एग्जीबिशन लगाया है, यहाँ CRPF के कुछ जवान भी आए हैं। हम उनसे बात करते हैं, दिखाते हैं कि उनके पास इक्विपमेंट्स क्या हैं और क्या क्या रहते हैं। सर क्या है ये?
सर जिस तरह से आप लोग स्टैचू देख रहे हैं, ये श्रीनगर के अंदर स्टोन प्लेटिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये स्टोन प्लेटिंग से बचने के लिए काम आता है। एक ग्रेनेड फायर कर सकते हैं, एक बॉक्स में 30 ग्रेनेड आते हैं इसके अंदर सर। ये हमारा छोटा सेट है जो जवान बाहर लेकर के जाते हैं, और इससे जो जवान ड्यूटी के दौरान सिटी में जाते हैं कम्युनिकेशन करते हैं, 10 से 15 किलोमीटर से कम्युनिकेशन होता है। इसके कम्युनिकेशन चैनल 10 हैं। हमारे बेस हेडक्वार्टर में हमारा 25 बार सेट होता है जो वहाँ से कम्युनिकेशन करते हैं। RAF जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रैपिड एक्शन फोर्स, द्रुत कार्यबल। जहाँ भी कोई मजमा या दंगा ऐसा कुछ हो जाता है, जो मजमे को तितर बितर करने के लिए हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य एक देश में शांति स्थापित करना, और ऐसे कोई अशांति फैलाने वाले ऐसे मजमे को या कोई असामाजिक तत्वों का जो इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ भी तोड़ फोड़ ऐसी कोई चीज़ करते हैं जिसको हम, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम उसको तितर बितर कर दें। हमारे यहाँ पे 3 दिन का इवेंट कल्चर हो रहा है जिसका नाम है टैकेक में, उसके अंदर काफ़ी टैकेक में उसके अंदर हमारे पास 2-3 शोज़ हैं, जैसे फैशन शो, टैलेंट स्टार लाइट, संगीत संध्या और ऑटो रोबोवार और स्टंट शो जैसे इवेंट हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे ऑडी के अंदर हो रहा है फैशन शो, और CRPF के जवानों ने हमारे टेकेकमे को बहुत सपोर्ट किया है। वो हमारे साथ Day 1 से लेकर Day 3 तक कंटिन्यू रहेंगे, और हम लोगों ने स्वच्छता अभियान को भी काफ़ी वेटेज देते हुए उस पर भी ध्यान दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए दखल न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध MP के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध MP बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध MP के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध MP के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध MP के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं।
अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज जी तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। क्या हुआ, फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता, लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार, कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, फ्रेशर्स पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ, ओके? दीजिए, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का, जल्दी चलो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है, सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है, एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलना, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे, अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर, आप पहले मैसेज भेजिए।
बाकी सब काम बाद में। सच ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना, पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।